या तो माँ की ममता और प्यार पिता का। ओए लोगों रोब बताया भाई का, और जिंदगी भर का सुख उसे मानस ने नेक लुकाई का। भर का सुख हो से मानस ने देख लुगाई का, मानस ने देख लुगाई का, मानस ने देख लुगाई का, जिंदगी भर का सुख हो से मानस ने देख लुगाई का। हो उसका जी जानता है कि वो समाज में कैसे रहती है। तो नंबर एक में माँ के बारे में क्या लिखा कवि ने, क्या बता दिया है? वो एक कद सी भर जाया गोद मेरी रे, वो कद सी भर जा गोद मेरी, जिंदगी भर का सुख हो से मानस ने नेक लुगाई का, मानस ने नेक लुगाई का, मानस ने नेक लुगाई का, जिंदगी भर का सुख हो से मानस ने नेक लुगाई का। हो ये जिंदगी एक बार आती है, ये जिंदगी एक बार आती है, ये फिर ना दुबार, फिर ना दुबार, ये फिर ना दुबार आती है। यो हरदम आस लगावे माँ, और 9 महीने तक रखे गर्भ में भारी कष्ट उठावे माँ, आप चाहे संकट में हो बेटे की खैर मनावे माँ, और ममता की डोरी में बंध के सो सो लाड लड़ावे माँ। यो तो मलमूत्र में पड़ी रहे, काम करे नितदाई का, और जिंदगी भर का सुखो से मानस ने नेक लुगाई का। नंबर 2 में पिताजी के बारे में बताया, अब पिताजी अपनी इच्छाओं का दमन करके बच्चे को बीटेक करावे या नर्सिंग करावे, और फिर वो अगर बोली का भी सुख ना हो तो के बता दिया। नंबर 2 में क्या लिखे वाला?
सर बन जाए इसी सी मन में तारे से कोई कोई पूत सपूत पिता की नैया पार उतारे से नैया पार उतारे से बेटे खातरे प्यार पिता का बेटे खातरे प्यार पिता का करता काम दवाई का और जिंदगी भर का सुख हो से मानस ने लुगाई का मानस ने एक लुगाई का मानस ने एक लुगाई का जिंदगी भर का सुख हो से मानस ने एक लुगाई का पिता बेटे के प्रेम में बंध के सब तरिया आपा मारे से और मन की चाही करे बेटे की आप पिता खुद हारे से मेरा बेटा जना अफसर बन जा इसी इसी मन में धारे से पर कोई कोई पूत सपूत पिता की नैया पार उतारे से ना तो नाम बदनाम करते कोई दारू पी के कोई चुगली करके कोई चोरी करके एक के चार बेटे लेकिन ब्याह एक का भी नहीं हुआ। अब बूढ़ा सोचे भाई किस तरह रोटी का जुगाड़ हो तो उसने झूठी अफवाह फैला दी। नो बोला भाई मेरे चारों छोरे डॉक्टर लग गए अब रिश्ते वाला की लाग गई लेन क्यों आजकल सबने नौकरी वाला चाहिए। जब रिश्ते वाले आए तो नो बोले बाबा बुला छोरिया ने चारों छोरे खेत में काम करे। अब कहे को पांच ऊपर संद्रो कहे की बाह फाटी पड़ी चारवा ने बुला लिया। अब वो रिश्ते वाला देखन लग गया बोला जी वो छोरे ना आए बोले यही से चारू बोले जी हमारे तो ना जची अखिये डॉक्टर से। अब वो बाप भी नू बोलिया बोले भाई चचे तो मेरे भी ना है बोले क्यों बोलो मैं इन कोई काम की कह लो नू कहेगा तेरे के बीमारी से बोलू ना जे पहला तो नू कहेगा चुप पड़े हो रे तेरे के बीमारी से मैंने सोचा चारों डॉक्टर लग गए तो ऐसा जमाना आ गया बोली का भी सुख को माँ बाप ने माँ बाप पिसाए से और धनी ग्यारस की प्याऊ लगाने के लिए और अपने गांव के मंदिर में पहुंच गया। ग्यारस ने पानी पियावांगे मीठा पानी माँ बाप पिसाया घर में देख लिया तेरी इस नगरी में न्या भगवान नहीं से अरे मरे हुए यहाँ पे घी गिर जीते की शान नहीं से अगर जीते जी उनकी सेवा करते हो तो वो पितर मरिया पीछे सीते ही ना आए कहने अकबर मावस काटो कोई मावस काटने की जरूरत नहीं उनने जीते जी उनकी सेवा कर दो। नंबर तीन में भाइयों के बारे में बताया क्या लिखा कवि ने
पूजा दूसरी हो से वक्त पड़े जब आवे काम, और साथ खड़े दो भाई दिखे तो दुश्मन रहे से दूर तमाम। भाई की इज्जत में होसा जी तो कदे ना भाई हो बदनाम, और जड़ में दिखे दो भाई जब सारी दुनिया बने गुलाम। जड़े बतला दो भाइया की हो उड़े काम नहीं कठिनाई का, और जिंदगी भर का सुख हो से मानस ने नेक लुगाई का। नंबर तीन बन चुके, चार नंबर में लुगाई के बारे में बताया, लेकिन पहले क्या हुआ करता, अब माता बहने सबसे पहले गऊ की रोटी से क्या करती। अब वो गऊ वाली रोटी का क्या हुआ कि भाई ऑफिस में जान की तावल अपना आदमी की, और वो पहल्स की रोटी अपना आदमी ने पकड़ा देश। अब वो गऊ बरगो हो गो चू ना करे। और आखिरी की जो रोटी हुआ करती वो कुत्ता की हुआ करती, वो कुत्ता ने दिया करते, लेकिन अब क्या करे उन्हें खुद खा जाए गेर के घी, घी मोरन गेर गार कर आखरी गल चक्कर कर खुद। अब उनकी आदत होगी कुत्ता भर की। और एक पहले क्या करते है अतिथि देव भवे, अब के कुत्ता से सावधान, अतिथि पर ही रहो आने की जरूरत नहीं। माँ का राज ना बाप की चौधर, प्यार रहा ना भाई का, और ये हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई, लुगाई का। यो तो माँ का राज बहू ने ले लिया चारज घर की ताली का, और अच्छी भूंडी छोरा बक दे कया मान घराली का। यो तो घर के धन ने साले बरते कुर्ता सिमता ना हाली का, और खाली आता बाण चली जा सूट सिमा दे साली का। ये तो घर का मंदिर छोड़ के पूजे मंदिर देवी माई का, हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। जे के घर में माँ बाप सास ससुर है उनको कहीं कोई तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं। तो आखिरी कली में लुगाई कैसी होनी चाहिए क्या बता दिया, क्या लिखे बोला लुगाई का।